सचिन पायलट अशोक गहलोत विल दे फाइट टुगेदर, क्या वो एकजुट होकर लड़ेंगे? प्रियंका एकजुट होकर लड़ रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है। क्या आपने उनको साथ लाने की कोशिश की थी? इस चुनाव में राजस्थान में बीजेपी एकदम बिखरी हुई है और कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं तो आपका क्या रोल है? मेरा रोल है अपनी पार्टी के सिद्धांतों के लिए लड़ना जी, अपने देश के संविधान के सिद्धांतों के लिए लड़ना। जो गरीब है, जो किसान है, जो महिलाएं हैं, जिसके जिसके जीवन में मुश्किलें हैं, संघर्ष है, उनके साथ खड़ा हूं। क्योंकि ये सवाल उठ रहा है, आप 2024 का चुनाव अब लड़ेंगी कि प्रियंका गांधी केवल स्टार कैंपेनर रहेंगी? बहुत दूर जाएं। नहीं नहीं, बहुत दूर नहीं, 6 महीने में 4 महीने में चुनाव आ रहे हैं, आप केवल स्टार कैंपेनर हैं या किस तरह से? मेरे ख्याल से कितने 20 सालों से देख रही हूँ, उससे ज्यादा 20 सालों से यही है इनका कहीं। अच्छा, आप अशोक गहलोत जी के साथ है, अगर यहाँ चुनाव कांग्रेस जीतती है तो क्या अशोक गहलोत जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? इस सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर तो कौन कौन ये हाई कमांड है? कौन खड़गे जी है और कौन है? गांधी परिवार या खड़गे जी? कह रहे हैं आप, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, खड़गे जी हैं, हम सब उनकी सुनते हैं। प्रियंका जी, आप अब जैसे आपने कहा 20 साल से आप पूछ रही हैं, आप में आप इस तरफ आइए सर, तो आखिर में अच्छा आप जब अच्छा आखिरी सवाल, आप ये कैंपेन पर जाती हैं, आपने सबसे बड़ी बात क्या सीखी है, बदलाव क्या आया है प्रियंका गांधी में इतने सालों में? आपने कहा 20 साल से मैं यही सवाल पूछता हूँ, आप में क्या बदलाव आया है? तो आप बताएंगे ना? नहीं, ये आप मुझे बताइए कि आप क्या बदलाव नजर करती हैं, आप ज्यादा यूपी के चुनाव से और वहां पे काम करने से बहुत सीखा। सबसे बड़ी चीज क्या सीखी आपने? एक राजनीति की जो एक वास्तविकता है, जो जमीनी चीजें हैं, वो बहुत सीखी मैंने। मोदी जी वहां है, क्या कहेंगी आप उनको? कहा अगर कैमरा पर अगर आप कुछ उनको कहना चाहें, क्या कहेंगी मोदी जी और बीजेपी को आज आप क्या कहेंगी? वो कहते हैं प्रियंका गांधी जी केवल चुनाव के टाइम पर नजर आती है, बाकी नजर नहीं आती, क्या कहेंगी उनको? मतलब उसका जवाब दो। हाँ, मोदी जी को, हाँ, बीजेपी को जो धारणा है, मेरी धारणा तो नहीं। आपकी क्या है धारणा? है मेरी धारणा ये है कि मैं काम करती रहती हूँ, सुबह से शाम तक काम करती हूँ, रोज करती हूँ, 24/7 पॉलिटिक्स, दिखती हूँ कभी कभी ज्यादा, दिखती हूँ टीवी पे कभी कभी कम दिखती हूँ, पर आप करती रहेंगी। As a star campaigner. आप भी मुझे 20 सालों से देख रहे हैं। मैंने कहा 2024 का चुनाव, एक बार फिर पूछता हूँ, रायबरेली से लड़ेंगी? रायबरेली से लड़ेंगी आप? वो आप देखेंगे कि मैं क्या करूंगी। वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। ये ना ये खाते उस गुलदान के नाम जिसमें रखा फूल कभी हमारा था। कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। कि वो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी न समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री न समझना। दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है, उसकी आज़ादी उसकी खुली जुल्फों में बंद है। जानते हो अगर 1000 बार जुल्फे ना संवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। वैसे दिल बहुत साफ है उसका, इन हरकतों को इशारा नहीं होता। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।